बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना था आप सबको, जो कि है मैं कीटो डाइट कभी भी बंद कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ। और कीटो बंद करने का मतलब ये नहीं है कि मैं डाइट पे नहीं रहूंगी, मैं नॉर्मल डाइट पे रहूंगी, बस कीटो बंद करूंगी, राइस रोटी मॉडरेट क्वांटिटी में खाऊंगी, मगर डाइट जरूर करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत वेट कम करना ही है। मगर कीटो मैं कभी भी बंद कर सकती हूँ, मगर ये सारे वीडियो आप लोगों के लिए है जो कीटो स्टार्ट करने वाले हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस जैस्मिन अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कीटो पे क्या खाती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट क्या है, एंड देन मैं सुबह उठते ही सबसे पहली चीज क्या पीती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ, लंच में क्या खा रही हूँ, मैं कुछ स्नैकिंग में क्या खा रही हूँ, डिनर में क्या खाने वाली हूँ, ये मैंने अलग अलग दिन शूट किया है। बस अभी इंट्रो शूट कर रही हूँ इस वीडियो का, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो मुझे तैयार होकर शूट करने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ जो मैं बना रही हूँ उसको मैंने शूट कर लिया था, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने खाया है। अभी मुझे 5 दिन हो चुके हैं कीटो स्टार्ट करके, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या खाया है। एंड ऑल्सो सारी हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ, और मीठे पे बिल्कुल कट डाउन किया है, नो स्वीट एट ऑल, और कार्ब्स नहीं है, और रोटी और राइस में इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मगर धीरे धीरे बोलते हैं कि आपको आदत पड़ जाती है तो आप ये सारा चीज़ें मिस करना बंद कर देते हो और क्रेविंग्स नहीं होती है आपको, मगर वो टाइम अभी मेरा आया नहीं है, मैं अभी तक मिस करती हूँ उन चीज़ों को। सो अभी तक शायद मेरी बॉडी कीटोसिस पे मतलब गई नहीं है टोटली 100%। तो विदाउट फर्दर डू शुरू करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खाया है। मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है यहाँ पे कॉफी के लिए, और मैं आज ये वाली कॉफी यूज कर रही हूँ जो कि है नेस्कैफे गोल्ड। आप अपनी पसंद की कॉफी यूज कर सकते हो, ये कुछ ऐसी दिखती है। और अब ये पानी जबकि गर्म हो रहा है, मैं इसका बस, मुझे बहुत लाइट कॉफी पसंद है तो मैं इतना सा पाउडर इसका डाल रही हूँ कॉफी का, जो कि ये ग्रेन्स हैं, और इसको अभी उबलने के लिए छोड़ दूंगी मैं। मुझे बहुत लाइट कॉफ़ी पसंद है तो इसीलिए मैंने ये डाला है। जो कॉफ़ी मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी एक्सपेंसिव कॉफ़ी होती है, मगर आप अपनी पसंद से कोई भी कॉफ़ी ले सकते हो, जो कि नॉर्मल आती है नेस्कैफे या फिर ब्रू, कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, मगर मेरे पास यही है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का, जो कि कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। एंड ऑल्सो मैंने इसमें, जैसे आप ये देख सकते हो, मैंने 1 चम्मच बटर डाला था, तो अब इसको अच्छे से ना मिक्स कर लीजिए और इस कॉफ़ी को हम पियेंगे। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो तभी इसको ब्लेंड करना, मिक्सी ग्राइंडर में मत ब्लेंड करना, क्योंकि मिक्सी ग्राइंडर मतलब एक्सप्लोड हो सकता है, जैसे कि कॉफ़ी बाहर आ सकती है, क्योंकि गर्म कॉफ़ी है। अगर आपको ठंडी कॉफ़ी पीनी है तो पी सकते हो, मगर जो बटर है वो फिर से जम जाएगा, तो इसलिए हैंड ब्लेंडर है तभी इसको ब्लेंड करना, वरना आप ऐसे ही हाथ से ब्लेंड करके इसको पी सकते हो। अभी देखिए, थोड़ा सा फ्रॉथी करने के लिए मैंने इसको इससे ब्लेंड कर लिया, क्योंकि मेरा हैंड ब्लेंडर बहुत ऊपर रखा हुआ है, उसको अब मैं निकालने के लिए बहुत लेजी हूँ, तो मैंने इससे ही थोड़ा सा इसको बीट कर लिया है ताकि इसमें से थोड़ा सा फ्रॉथ आ जाए, और अब इसको मैं इन्जॉय करूँगी इस कॉफ़ी को। तो मेरा अभी कॉफ़ी के बाद ब्रेकफास्ट या ब्रंच बोल लीजिए, क्योंकि अभी लंच टाइम भी होने जा रहा है, तो अभी मैं ये खाऊंगी। तो वो कॉफ़ी पीकर मेरा 1 घंटा हो चुका है, तो उसके बाद मैं 2 अंडे का एग व्हाइट खाऊंगी, क्योंकि मुझे येलो पसंद नहीं है, एंड एनीवेज येलो अवॉइड करोगे तो अच्छा ही है, मगर कीटो में आप येलो खा सकते हो, विच इज़ रियली गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एंड देन मैंने यहाँ पे एस्पैरेगस लिया है, एस्पैरेगस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रोकोली के साथ काम चला सकते हो, या फिर कुकुम्बर भी खा सकते हो, मगर एस्पैरेगस मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, तो मैं इसको ये खाऊंगी। और ब्रोकोली, इनको मैं सौते करूंगी जस्ट थोड़ा सा बटर में और ब्लैक पेपर में, एंड उसी पैन में मैं अंडों को भी थोड़ा सा फ्राई करके फिर ये खा लूंगी। तो ये हो जाएगा मेरा आज का ब्रंच। ये देख सकते हो आप, मेरे वेजिटेबल्स सौते हो रहे हैं, और इसमें मैं हिमालयन रॉक सॉल्ट पिंक सॉल्ट यूज करूंगी, इसमें थोड़ा सा एक चुटकी भर लेकर इनके ऊपर डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा इसमें टेस्ट आए, और ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। सो माय ब्रंच इज रेडी, यू कैन सी एस्पैरगस एंड ब्रोकली सॉटेड इन बटर एंड सम ब्लैक पेपर एंड पिंक सॉल्ट, एंड दिस इज माय एग वाइट, एंड दैट्स। यूज कर रही हूँ कैप्सिकम, जो कि येलो बेल पेपर और रेड बेल पेपर है, एंड ब्रोकोली का थोड़ा ही हिस्सा लिया है मैंने, एंड एक मशरूम लिया है, क्योंकि मुझे मशरूम इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट देन कीटो में मशरूम बहुत अच्छा होता है, तो मशरूम लिया है, एंड 2 होल एग्स। और इसमें से मैं सिर्फ एग वाइट यूज़ करूँगी, योक मैं नहीं खाती हूँ। एंड दिस इज़ बेबी स्पिनच, ये बहुत ही ज़्यादा टेंडर होते हैं, एंड देन ये बेबी स्पिनच, अगर
बेबी स्पिनच नहीं मिल रहा है तो नॉर्मल स्पिनच के साथ भी काम चला सकते हो, क्योंकि स्पिनच इज स्पिनच आफ्टर ऑल। और ये मैं हिमालयन रॉक सॉल्ट यूज़ करूँगी, पिंक सॉल्ट इसमें। एंड दिस इज़ द MCT ऑयल। MCT ऑयल बहुत अच्छा होता है कीटो के लिए। ऑयल सबसे बेस्ट होता है कुकिंग या फिर ऐसे ही सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए, सब MCT ऑयल होता है ये। ये नेचुरल एंड वेरी प्योर फॉर्म ऑफ कोकोनट होता है, ये कोकोनट से ही निकलता है। एंड जैसे आप देख सकते हो, इन्होंने इस पर मेंशन भी किया है कि ये कीटो के लिए ही बना हुआ है, आइडली यूज इन कीटो रेसिपीज। तो ये ऑयल मैं यूज़ करूँगी। एग वाइट ऑमलेट, सॉटेड वेजीज, एवोकाडो एंड दिस इज माई बुलेट कॉफी विथ MCT ऑयल एंड कॉफी। This video, please give this video a big thumbs up and also subscribe to my channel and share it among your friends. अगर आपको कोई भी सवाल है keto के related, please comment section में बताना, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उस चीज का reply करूं। And आपने देखा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा change आया है keto diet के बाद, तो please मुझे जरूर बताना और Instagram पे अपनी story जरूर share करना और मुझे tag जरूर करना, मेरा ID reflect करेगा यहाँ पे कहीं पे। And also subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. And also hit on that bell icon to get notified every time I upload a new video. So see you again in my next video. Till then, take care. Bye-bye.